उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर में रोड से ग्राम चमनगंज को जाने वाली 2 किलोमीटर लिंक रोड जर्जर हाल में है। लिंक रोड पर बने ठंडी नदी पुल के पास गहरे गड्ढे होने से पुल को भी खतरा बना हुआ है। बरसात के मौसम में नदी का पानी ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से बहता है। भूकटाव के चलते पुल के किनारे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गदरपुर गुलर भोज रोड से चमनगंज को जाने वाली सड़क में 6 गाँव की आवाजाही होती है। कुछ समय पूर्व ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क पर हुए गहरे गड्ढों में रोड़ी और मिट्टी डालकर भरान किया। तो बहुत ही ज्यादा हमें आवश्यकता है, यहाँ कोई भी दुर्घटना हो सकती है कभी भी किसी समय। एक तो पुल भी हमारा छोटा है, जैसे ट्राली भरी हुई आती है धान के ऊपर चढ़ाई है, आगे से भी बैलेंस नहीं संभलता, ट्रैक्टर कभी नदी में गिर सकता है। पुल तो बहुत ही बनाना जरूरी है। बाकी रहा सड़क की सवाल, बच्चे सवेरे स्कूल जाते हैं, बसों में भीड़ होती है, यहाँ साइड लेने की जगह नहीं, और सड़क टूटे फूटे गड्ढे होने की वजह से हम लोगों को साइड जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। राज्य योजना के भीतर स्वीकृति प्राप्त हुई है और इमीडिएट इसमें काम शुरू होने वाला है। मैं सोचता हूँ कि हमने बात की ठेकेदार से, तो माननीय विधायक जी ने भी बात की है, तो 27-28 दिसंबर से काम शुरू होने की बात हुई है और जल्द ही इसको मानकों के अनुसार ये कार्य संपादित किया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।